हेलो हाय एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए सो अगेन मैं लेकर आ गई सरोजनी नगर की वीडियो एंड काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैम पूरा अच्छे से बताएं कि कैसे जाना है जो लोग भी न्यू है फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मेट्रो स्टेशन सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन आना है वहाँ से जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे गेट नंबर वन से सामने आपको गेट नंबर थ्री सरोजनी नगर मार्केट का ये बोर्ड दिख जाएगा आपको वहीं से एंट्री करनी है जैसे ही एंट्री करेंगे आपको इस टाइप के हेयर एक्सेसरीज़ की शॉप मिल जाएगी प्लस आपको ज्वेलरी का शॉप मिल जाएगा थोड़े ही आगे जाएंगे तो एंड यस yes, इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉप कवर करने वाली हूँ तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना स्किप मत करना एंड येस yes, आपको ये कॉटन कुर्तीज़ करके जो है ना उसके नीचे इस टाइप के एयरिंग्स का कलेक्शन मिल जाएगा लाइक बड़े बड़े झुमके वग़ैरह मिल जाएंगे वन फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में एंड ये भैया परमानेंट रहते हैं यहाँ पे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आने में क्योंकि परमानेंट स्टोर है इनका आपको यहाँ पे इस टाइप के झुमके वाले कड़े मिल जाएंगे एडी ज्वेलरी मिल जाएगा ऐसे हुडन वर्क में आपको ईयरिंग्स मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है यहाँ पर तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड इसी के साइड में मैंने फर्स्ट टाइम ये वॉच वाला स्टॉल देखा है इन भैया के पास वॉच थे काफ़ी सारे ब्रांडेड ड्यूब्स थे तो इसी शॉप के जब आप थोड़ा आगे जाते हैं तो ना आपको इस टाइप के स्कर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा लाइक इस टाइप के प्रिंटेड स्कर्ट्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है इन भैया के पास तो इनके पास ऐसी स्कर्ट्स होती हैं ना आप ट्रेडिशनल एंड इंडियन वेयर में भी यूज़ कर सकते हो उसके आगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो इस टाइप की हमें जीन्स की कलेक्शन मिल जाएगी सिर्फ टू हंड्रेड में इस टाइप की जब भी आप जीन्स लेना थरी वगैरह से तो आप प्लीज़ चेक कर ले अच्छे से ब्रांडेड होते हैं बट डिफेक्ट भी होता है उसके बाद हम चलते हैं शॉप नंबर वन ज़ीरो वन यहाँ पे ना आपको सारे ट्रेंडी नेक पीसीस मिल जाएंगे एयर मिल जाएंगे ये शॉप है ही फेमस सरोजनी नगर में इस टाइप की शॉप आपको पूरे सरोजनी में एक ही शॉप नज़र आएगी जो इस टाइप के नेक पीसीस रखते हैं एंड इनका प्राइस फिक्स होता है कोई बार्गेनिंग नहीं होती नेक पीसीस के टू हंड्रेड टू इस टाइप के प्राइस रेंज होते हैं प्लस आपको ईयरिंग्स क्लचर्स वगैरह इस टाइप के सारे पॉपअप जो इयरिंग्स हैं काफ़ी फंकी टाइप में आपको मिल जाएगा यहाँ पे हर फ्रूट शेप में मिल जाएगा कुछ लिखा हुआ पैटर्न मिल जाएगा एंड अगर आपको नॉर्मल हुप्स चाहिए तो भी यहाँ मिल जाएगा चेरी वाला इतना प्यारा लग रहा था ये भी शायद टू फिफ्टी फि या टू हंड्रेड का था मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा आप जब भी जाए तो ये वाला शॉप प्लीज़ एक्सप्लोर करें यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आने वाला है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन होते हैं इयर वगैरह के आपको लॉन्ग हुप्स मिल जाएंगे स्मॉल साइज़ में मिल जाएगा एंड आपको पूरा पूरा एक मतलब पैटर्न मिल जाएगा इनके पास आप चाहे तो पूरा सेट ले सकते हैं अदरवाइज़ ये सनफ्लावर वाला देख लो हर सारे ट्रेंडी होंगे यहाँ पे तो ये लोकेशन मैंने आपको दिखा दी उसके सामने उसी शॉप के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे शॉर्ट्स वाले भैया मिल जाएंगे आपको याद हो गया होगा वन ज़ीरो वन शॉप के बिल्कुल आप अपोजिट साइड में देखोगे तो ये शॉर्ट्स का कलेक्शन था इनके पास एंड यहाँ उसके आगे हम चलते हैं तो हमें उसी शॉप के सीधे जाना है वन ज़ीरो वन के तो आपको यहाँ पे स्लीपर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे टू हंड्रेड में ये सारे फ्लैट्स टू हंड्रेड रुपीज़ के थे काफ़ी अच्छे हील्स वगैरह भी थे इन भैया के पास तो आप जब भी जाए विज़िट कर लें एक बार चेक कर लें एंड यस yes, यहाँ पर आपको नॉर्मल स्लीपर्स भी मिल जाते हैं घर पर पहनने वगैरह के लिए तो ये सारे ना आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ डिफेक्ट था या कलर निकला हुआ था तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा था उसके बाद ये फैशन कुछ शॉप है उसके सामने है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बेल्ट का ऑप्शन दिखा देते हैं जिसको भी डायरेक्शन या लोकेशन में कुछ भी इशू हो प्लीज़ कमेंट कर लें एंड यस गल मैं कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव नहीं हूँ तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रही उसके लिए सॉरी बट मैं जल्दी सब लोगों के रिप्लाई कर दूंगी कोई ये कमेंट ना करे कि मैम रिप्लाई नहीं करते आई एम रियली सॉरी पहले वीडियोस में मैंने सबके रिप्लाई किए हैं बट इस बार मैं नहीं कर पाई अब से कर दूंगी एंड येस यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड बेल्ट्स वगैरह मिल जाते हैं रेंज 150 250 के अराउंड में ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे एम के का गुची का एंड साची, इस टाइप के सारे बेल्ट मिल जाएंगे क्वालिटी अच्छी होती है so guys, जो मैंने आपको बेल्ट वाले शॉप दिखाई उसी के सामने एक गली दिखाई दी थी आपको उसमें एंट्री लेनी है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे शॉप नंबर दिख जाएंगे लाइक शॉप नंबर वन ज़ीरो टू वन जीरो थ्री वन ज़ीरो फोर एंड उसी शॉप के ये सारे शॉप्स ऑलमोस्ट एक जैसा ही कलेक्शन होता है इनके पास एंड सेम आपको यहाँ इन शॉप्स के आगे ना इस टाइप के वन पीसीज़ वगैरह मिल जाएंगे जो कि सिर्फ टू हंड्रेड रुपीज़ वन फिफ्टी रुपीज़ में इस टाइप के आपको ट्रेंडी वन पीसीस मिल जाएंगे फैब्रिक अच्छा था लेकिन ये सारे जो टॉप देख रहे हो ना आप एक ये ब्राउन वाला ये जो आपको दिख रहा है प्रिंटेड में ये आपको ना हौस खास में मिलेगा सिक्स फिफ्टी सेवन फ़िफ्टी रुपीज़ का एंड यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट जो प्राइस भैया बताते हैं टू फिफ्टी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा अगर आप बार्गेन करवाते हो तो एंड ये सारे न्यू कलेक्शन होते हैं अंदर कुछ आपको थ्रिफ्ट मटेरियल मिल जाएगा बट बाहर की साइड सारा न्यू होता है इनके पास सारे ट्रेंडी टॉप्स वगैरह होते हैं एंड इसी के बाहर ये स्कर्ट्स लगी थी लेदर में तो मैंने ये भी कवर कर लिया तो आप जब भी जाए ना या तो थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे जाए या तो थोड़ा इवनिंग के टाइम पे जाए मैं इस टाइम पे आई थी इवनिंग के टाइम पे एंड मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला आगे भी ना मैंने काफ़ी कुछ दिखाया कि किस शॉप के बाहर आपको इस टाइप का स्टॉल मिल जाएगा एवरी सब कुछ तो आप अच्छे से देखना एंड इवनिंग के टाइम पर आओगे तो ज़्यादा फायदा है या तो अर्ली मॉर्निंग आओ तो आपको इस टाइप के क्रॉप टॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे ये येलो क्रॉप था एंड ये पीच कलर में था यहाँ पे ज़्यादातर आपको टॉप्स के ऑप्शन मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ज़ारा वगैरह के कॉपी रहते हैं या टैग लगी होती है आप खुद ही समझ जाएंगे फैब्रिक देख के अंदर आपको सारे वन पीसीज वग़ैरह मिल जाएंगे लाइक ये ग्रीन कलर का ऑरेंज कलर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है नेक्स्ट हम चले तो आगे मुझे ये दिखा लाइक टू हंड्रेड में ये लॉन्ग ओवर साइज़ टी शर्ट्स थे ये सारे एक ही रो में है ये मत कन्फ्यूज़ होना कि ये कहाँ पर है हमें बताओ दी लोकेशन बताओ तो आपको ये सीधी देखो ये सारी शॉप्स जो मैंने अभी आपको दिखाई इसी के बाहर लगी होती हैं इस टाइप से तो वन फिफ्टी में ये ओवर साइज़ टी शर्ट्स मिल रही थी एंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग बिल्कुल सॉफ्ट क्वालिटी थी एंड इसी में आपको क्रॉप टॉप भी ऑप्शन मिल जाएगा एक दो थे एंड आगे हम देखें तो पैंट्स वगैरह के ऑप्शन थे इस टाइप के आपको लॉन्ग पैंट्स वगैरह मिल जाएंगे ये भी आपको लास्ट टू फिफ्टी टू में भैया दे देते हैं वैसे बताते तो थ्री है फोर हंड्रेड है बट बार्गेन आप थोड़ा बहुत करवा सकते हो एंड इसी के अंदर आपको इस टाइप के फॉर्मल कोट्स वगैरह मिल जाएंगे ये आई थिंक शॉप नंबर वन जीरो थ्री है या वन जीरो फ़ोर है अभी आपको मैं स्क्रीन पे शो हो जाएगा एंड यस आपको यहाँ पर काफ़ी वेराइटी में कोट्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे पिंक वगैरह जो भी ऑफिस गोइंग परपज़ से लेना चाहते हैं वो यहाँ से ऑफकॉर्स परचेज कर सकते हैं एंड सेम आपको वन पीस मिल जाएगा ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा था ये स्काई ब्लू वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जो इसके पीछे है बट मैंने लिया, size issue and yes guys, कभ, नहीं लिया साइज़ का इशू है एंड यस गाइज अब काफ़ी जल्दी ना हॉल वीडियो भी आने वाला है थोड़ा सा मैं बिजी थी बट अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो हॉल वीडियो जल्दी आएगी सरोजनी नगर हॉल वीडियो एंड मीशो हॉल वीडियो एक्सेट्रा काफ़ी कुछ आने वाला है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड जिन्होंने नहीं किया वो कर ले और जिन्होंने किया हुआ है वो बेलाइकन प्रेस कर दे जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाएगी आगे ये शॉप है एंड यहाँ पे आपको मैंने शॉप दिखा दिया उसी के आगे सेम इस टाइप के फुटवेयर मिल रहे थे ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ में तो काफ़ी प्यारा कोल्हा वगैरह एंड नॉर्मल फ्लैट्स मिल रहे थे ये वाली शॉप है ये वाली उसके सामने ही आपको इस टाइप के थोड़े लाइक अभी जैसे बरसात आ गई है लाइक ये रेनी सीजन वगैरह में ना जिस टाइप के स्लीपर्स चलते हैं उस टाइप का ही कलेक्शन आया हुआ है सरोजनी नगर में इस टाइप का गोवा बीच में जाने वाले सनफ्लावर एंड ये फर वाला ये काफ़ी अच्छा था ये सारे आपको 200 की रेंज में मिल जाएंगे ये ऐसे स्लीपर्स हैं जो कि पानी वगैरह में ख़राब नहीं होते तो उसी परपज से आए हुए हैं एस में तो उसके आगे हम चले बात करें उसके आगे भी ना आपको इस टाइप के हील्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे टू फिफ्टी रुपीज़ में इन्हीं भैया के पास आपको फ्लैट्स भी मिल जाएगा कोलापुरी मिल जाएंगे हील्स मिल जाएंगे ट्रांसपेरेंट हील्स मिल जाएंगे ये वाले थे टू फिफ्टी अराउंड में एंड इनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर थी एंड इनके हील्स भी अच्छे थे लाइक वो साउंड नहीं कर रहे थे टक टक वाले तो अच्छी क्वालिटी थी ये वाली शॉप है इसी स्लीपर्स वगैरह के सामने ही ये शॉप है तो यहाँ पे आपको शूज़ के ऑप्शन भी मिल जाते हैं प्लस यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगे ब्रांडेड कॉपी एंड काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज भी था लाइक ये वाले सारे जो शूज़ थे आपको सिक्स फिफ्टी फाइव फ़िफ्टी के रेंज में मिल जाएगा क्वालिटी अच्छा था एंड उसी के सामने कुछ इस टाइप के कैनवस शूज़ वगैरह लगे थे ये जो स्लीपर्स थे ना ये टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फोर फिफ़्टी तक के थे ये आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये ऑरेंज ब्लैक पिंक कलर वाला तो आप यहाँ से ऑफकोर्स परचेस कर सकते हैं एंड अच्छी क्वालिटी ये थे ये जो ट्रेंड में होता है ऑफकोर्स वो कॉस्टली तो होता ही है तो ये सारा ट्रेंड में था इसलिए अंदर लगा था एंड ये कॉस्टली भी है प्लस आपको ये आपको पंजाब नेशनल बैंक दिख गया उसके सामने ये वाली जो शॉप दिखाई इसी के अंदर आपको स्लीपर्स एंड बाकी सब कुछ मिल जाएगा इन सेंस के बिल्कुल सामने एंड इसी शॉप के आगे हम देखे तो अब हमें पजामा वगैरह दिख रहा था इस टाइप के टॉप नाइट सूट वगैरह आपने देख ही लिया प्राइस तो ये था ये सारे डिफेक्टेड पीस थे लाइक यूज़ करे हुए टाइप लग रहे थे तो आप जब भी ले चेक करके ले इन्हीं थरी वगैरह में से ना कभी एक आधा पीस निकल जाता है अच्छा तो आपके पास अगर टाइम है तो आप चेकआउट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में भी थे नाइट सूट सारे ओवर साइज़ लग रहे थे मेरे साइज़ का कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं इस टाइप के एंड सारे कोई भी ना यहाँ पे फुल पैटर्न नहीं था लाइक पूरा सेट नहीं था नाइट सूट का ऊपर का मिलेगा तो आपको नीचे का नहीं मिलेगा इसीलिए एटी रुपीज़ का था एंड थोड़ा आगे हम चले तो हमें मिला हंड्रेड रुपीज़ का ये सारे इंसेंस वाली रो है जो बिक्सी वा बिक्सी के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन जाती है ना वो वाला ये इन सेंस आप याद रखिए उस वाले रो में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एंड यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ के इस टाइप के टी शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे बारबी वाला ये बहुत प्यारा लग रहा था एंड आपको सारे लॉन्ग टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे कहीं पर छोटा मोटा दाग वगैरह रहता है अदरवाइज कुछ भी नहीं रहता तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इन भैया के पास तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जब भी आओ तो एंड यस yes, उसके बाद हम चलते हैं इस वाली शॉप में इस वाली शॉप के बाहर एक और ऐसी थरी लगी हुई थी वन फिफ्टी का तो यहाँ पर आपको पैंट्स मिल रहे थे पैंट्स सारे पैंट्स के कलेक्शन थे ब्लैक प्रिंटेड जीन्स आपको सारे लोवर वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे तो टी शर्ट के साइड में तो आप जब भी आए ना एक बार ये इंसेंस वाली गली में पक्का आए यहाँ पे आपको थरी वगैरह मिल जाएगी एंड यस गाइस ये ना आपको मॉर्निंग के टाइम आफ्टरनून के टाइम थोड़ा कम दिखता है कि इवनिंग के टाइम ना ये लगना स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही पुलिस पुलिस वगैरह वाले आते हैं तो क्लोज कर देते हैं ये फिर लगा देते हैं सो गईज नेक्स्ट हम इस वाली शॉप पे चलते हैं शॉप नंबर वन 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 एंड यहाँ पर काफ़ी ट्रेंडी आपको टॉप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक like जैसे स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे मिलता है एंड जैसे अभी हौश ख़ाज़ में न्यू शॉप ओपन हुआ शीन करके शीन स्टाइल स्टोर तो यस गई शीन वापस आ गया है इंडिया में एंड उसकी भी वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड किया है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लीज़ आप चेकआउट कर ले एंड वो हौश ख़ाज़ में आप जिनको भी विजिट करना हो वो विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर जीन्स वगैरह काफी अच्छे ऑप्शन हैं तो आप प्लीज चेकआउट कर ले एक बार वीडियो एंड ये yes, आगे ना इस टाइप की आपको शॉर्ट्स वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी शॉप नंबर वन 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 में एंड यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शन थे शर्ट्स वगैरह के अभी क्वर के मिस भी यहाँ पे आई थी तो उन्होंने भी सेम इस टाइप से शर्ट्स वगैरह यहीं से परचेस करे थे इस वाली शॉप्स पे एंड यहां पे आपको टॉप्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे सिंपल 200 प्राइस था इनका आप सारे ये न्यू थे न्यू आपको सेम पीस के जितने भी पीस चाहिए ना आपको वो मिल जाएगा एंड उसी से आप आइडिया लगा लो कि सारे न्यू हैं एंड ये जो भी फटा हुआ है ये सब पैटर्न है आपको कलर ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे लाइक कार्टून में मिक्की माउस में कुछ भी अच्छा सा वाइब लिखा हुआ था उस टाइप का एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप के मतलब कि रफ़ टाइप में भी टी शर्ट्स वगैरह थे तो ये वाली शॉप प्लीज़ विजिट करें एंड यस उसी शॉप के बिल्कुल सामने हम चलते हैं तो इस टाइप के आपको स्टॉल दिख जाएगी सिर्फ हंड्रेड रुपीस का शर्ट था यहाँ पे एक शर्ट ना मुझे दिखा जारा का बहुत अच्छा शर्ट था बट मैं कंफ्यूज थी मैं लूँ या ना लूँ ओवर साइज था थोड़ा ये 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 ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा था लाइक आप इसे ना गोल्डन स्कर्ट्स वगैरह के साथ वेयर करो ये नॉर्मल प्लाजो के साथ कहीं पार्टी वार्टी में तो बहुत अच्छा लगता बट अब मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया क्यों नहीं लिया अगर मैं अगेन गई सरोजनी अगर मुझे ये टॉप दिखा तो मैं पक्का ले लूँगी मुझे बहुत मतलब अफसोस टाइप हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया एंड यस yes, उसी के आगे आपको यहाँ पे फ़ोन कवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं सरोजनी में कोई से भी फ़ोन का आपको कवर मिल जाएगा एंड देन इंसेंस के सामने आप इंसेंस में भी जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ओवर प्राइस नहीं होता यहाँ पे भी सरोजनी के अकॉर्डिंग थोड़ा हाई प्राइस होता है लाइक जितनी आप पूरी शॉपिंग कर लोगे सरोजनी में उतने में आपको अंदर एक वन पीस मिल जाएगा बस इतना सा फ़र्क है तो यस गईस बट चेकआउट तो कर ही सकते हो लाइक एक बार को और इसी इन सेंस के सामने आपको इस टाइप का जूट बैग का कलेक्शन मिल जाता है ये सारे जूट बैग के कलेक्शन है सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइज़ हैं जब भी आए तो आप आए चेक कर ले आपको लाइक बाली बैग भी मिल जाएंगे इस टाइप के जूट में लॉन्ग बैग्स एंड काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न डिज़ाइन में आपको हर टाइप का जूट बैग का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा इजीली एंड आप देख सकते हो लाइक like जैसे अंदर शॉप में आपको जाओगे तो आपको बेल्ट्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक like ये देख रहे हो आप सारे ये वन पीसीज वगैरह के बेल्ट हैं आप वेयर करो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड लॉन्ग शॉर्ट सारे जूट बैग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ईजिली नेक्स्ट टाइम चलते हैं तो बिक्सी वाली लेन में बिक्सी वाली लेन में हम जैसे ही एंटर करते हैं ना आपको इस टाइप के बैग्स के कलेक्शन मिल जाते हैं सारे आपको ये वाले जितने बैग हैं ना आपको ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी के अंदर इनकी सेल लगी होती है हर बार डिफरेंट सेल लगी होती है तो इस टाइप के आपको बैग इस बैग का क्वालिटी इतना अमेजिंग था ना सच में बहुत प्यारे बैग थे इनके पास एंड ये टोट बैग वगैरह से आपको बिक्सी बिल्कुल सामने बिक्सी के बिल्कुल सामने एंड बिक्सी के बिल्कुल नीचे आप चलेंगे तो आपको इस टाइप के जूती के कलेक्शन मिल जाएंगे कोलापुरी वगैरह हल्की हल्की बारिश टाइप हो रही थी तो इन्होंने उतारना स्टार्ट कर दिया था सामान यहाँ पे हील्स वगैरह भी मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइज रेंज में आपको ये वाला हील हर कलर में मिल जाएगा बट जैसे आप शोरूम में जाते हैं प्राइज़ हाई हो जाता है इन भैया के पास थोड़े लो प्राइज में आपको मिल जाएंगे कोल्लापुर स्लीपर्स की बात करें तो आपको टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी एंड सिक्स फिफ्टी की जुत्ती की रेंज में मिल जाती है आपको इस रेंज में आपको जुत्ती मिल जाएगी सबके डिफ़रेंट डिफरेंट प्राइस रेंज है जिसमें ज़्यादा वर्क है उसका प्राइस थोड़ा हाई है एंड जिसमें कम वर्क है उसका थोड़ा लो है बट जुत्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी थी लाइक जो प्रॉपर पंजाबी जुत्ती होती है उस टाइप की जुतियाँ थी यहाँ पर तो आप जब भी सरोजनी जाएँ अगर आपको जुतियों का कलेक्शन अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं इस वाली शॉप पर आती हूँ एंड मैंने पहले परचेज़ भी किया है जल्दी हॉल वीडियो आने वाली है तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी उस हॉल वीडियो में काफ़ी कुछ मैं ले चुकी हूँ सरोजनी से तो मुझे सब कुछ दिखाना है बस थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है अदरवाइज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगी कब वीडियो आएगी एंड यस yes, उसी के बाहर हम चले तो हमको हंड्रेड रुपीज़ में अगेन लोवर देखने को मिल जाता है बिक्सी वाले लेन में ना आप प्लीज़ अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप पूरी सरोजनी में कहीं ना जाए जो जो मैंने डायरेक्शन दिखाया उस डायरेक्शन से आए आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा एंड येस बिग सी वाली लेन में सबसे ज़्यादा स्टॉल लगी होती है इस टाइप की हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड एटी रुपीज़ आगे आपको मैं टॉप वगैरह भी दिखाऊँगी जो कि सिर्फ फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ में मिलेगी तो ये वाली स्टॉल थी हंड्रेड रुपीज की एंड यहाँ पे सारे वाइट शर्ट वाइट टॉप वाइट चिकन कारी कुर्ता वाइट क्रॉप टॉप इस टाइप के कलेक्शन थे यहाँ पे सब कुछ आपको वाइट मिलेगा तो आप देख सकते हो सारे शर्ट्स वगैरह वर्क वाले विदाउट वर्क वाले एंड बिल्कुल वाइट था कोई दाग वाग नहीं था तो इस टाइप का आप कलेक्शन ले सकते हो सिर्फ हंड्रेड में ये बिक्सी के बिल्कुल सामने है आगे चलते हैं तो मैंने जैसे कि बताया था आपको फिफ्टी रुपीज़ में भी टॉप्स वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे तो ये सारे टॉप आपको फिफ्टी रुपीज़ में मिल रहा था बट इनकी क्वालिटी वैसी नहीं थी लाइक मतलब कोई फ़ायदा नहीं है फिफ्टी रुपीज़ वेस्ट करने का और घर पे ले जाके सामान भरने का मम्मी से डांट सुनने का क्योंकि अगर हम जैसे भी सामान लाते हैं मम्मी तो ऑफकोर्स सुनाती है कपड़ों की कमी नहीं थी एक्स वाई जेड तो फिफ्टी वाला तो मैं मना ही करूँगी फिर भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं क्या पता आपको कुछ अच्छा मिल जाए बाई लक बिक्सी है एंड बिक्सू के सामने आप देख लो बिल्कुल ऐसे स्टॉल लगी हुई है मैंने फुल डायरेक्शन के साथ दिखाई है इस वीडियो में एंड प्लीज कमेंट करके बता देना अगर कुछ भी कमी लगे तो नेक्स्ट टाइम मैं वो क्लियर आउट कर दूंगी आपको एंड यहां पर हंड्रेड रुपीज ऐसे शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह भी थे ये वाले शॉर्ट्स मुझे अच्छे लग रहे थे क्वालिटी वाइज काफी अच्छा था बट मेरा साइज अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने नहीं लिया अदरवाइज काफी अच्छी क्वालिटी में भी स्कर्ट्स थे टॉप्स थे आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही रेडी पे मतलब इस टाइप की एंड बिक्सी के सामने हम चले आगे तो बिक्सी के बिल्कुल सामने इस टाइप की ज्वेलरी का कलेक्शन देखने को मिल जाता है ये सारी ज्वेलरी सारे के सारे जंग ज्वेलरीज होते हैं सिल्वर ज्वेलरीज होते हैं बोहो टाइप ज्वेलरी एंड यहाँ पे नेक पीसीस वगैरह मिल जाएगा चोकर सेट मिल जाएगा आप जब भी कोर् मिस की वीडियो देखेंगे ना सरोजनी नगर की ये वाली शॉप उसमें अफकोर्स होती है अफकोर्स एंड इन भैया ने खुद ही बोला है उनकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा सेल निकलती है ना मतलब सच में तो वो यहाँ से सेम ये वाला पीस में अभी पीच कलर में चोकर लेके गई थी एंड इसका प्राइस है टू फिफ्टी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है चोकर्स की एंड इनके पास इतने कम प्राइस में मिल जाता है तो अमेजिंग जस्ट वाव है मतलब इतने अच्छा कलेक्शन है इनके पास तो जब भी आप आए यहाँ पे विजिट करें आप यहाँ से काफ़ी कुछ लेके जाओगे क्योंकि कलेक्शन ही काफ़ी हटके है नेक पीसीज़ वगैरह भी थे तो आगे आप सरोजनी नगर का हाल देख सकते हो मैंने प्रॉपर वीडियो ही दिखा दिया आपको इस टाइप का हाल हो रखा है कुछ क्योंकि शाम के टाइम बहुत सस्ता मिलने लगता है क्योंकि इनको भी लगता है कि जो निकल रहा है निकाल दो शाम हो गई है तो ये सेल लगा देते हैं कभी फिफ्टी कर देंगे उसको कभी हंड्रेड कर देते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इनके पास ना वो टैग होता है कभी हंड्रेड कर देंगे एंड थोड़ी देर बाद फिफ्टी कर देंगे तो इस टाइप का होता है एंड इस शॉप के बाहर ये हंड्रेड रुपीज़ की शॉर्ट्स मिल रही थी लास्ट टाइम मैं लाई थी इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका ट्रस्ट में यहाँ से आप शॉर्ट प्लीज लेना शॉर्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में शॉर्ट्स वगैरह मिल रहे थे जितना हो पाया मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी सरोजनी नगर दिखा दूँ एंड यस yes, जिनको नहीं पता सरोजनी नगर काफ़ी बड़ी शॉप है काफ़ी बड़ी तो आप मेरे पहले की बताए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको एंड कौन शॉप का सो बाय टेक केयर लव यू